गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी क्लास में। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ रही होगी। वेट अ मिनट। ओके, ये क्या इशू आ रहा है? आ जाइए जल्दी से, इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग सोनी जी, निहारिका जी, प्रियंका विष्णुई जी, खुशबू सिंह जी, मोमिता जी, गायत्री मालवीय जी, मोहम्मद राशिद जी। हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरी अब आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जल्दी से अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि हमारे सभी साथी हमारे साथ में जुड़ें। जैसे हमने कल की क्लास में थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, वैसे हम आज को सॉरी कल अपन ने कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, वैसे हम आज थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। थॉर्नवेट सर का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या था, ये कैसे आता है, कब आता है और कैसे ये डिफरेंट है कोपेन सर के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। आप में से जो भी लोग आज पहली बार आए हैं, तो मेरा नाम है कृतिका पारेख, मैं अकेडमी पे एजुकेटर हूँ सिंस मई 2020। तो देखिए जी, बहुत ही सीधी सी बात है, हम लोग अपनी क्लास में बात कर रहे थे क्लाइमेट की। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में हमारे सिलेबस में जो दो राइटर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नंबर पे आते हैं कोपेन एंड देन उसके बाद में आते हैं आपके थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यानी कि थॉर्नवेट सर का जलवायु वर्गीकरण। हमने कल तक की क्लास में इतना जान लिया था, कोपेन सर ने सबसे पहले क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अपना प्रेजेंट किया था 1900 में, उसके बाद में 1915 में लेकर आए, 18 में लेकर, और अपना फाइनल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन उन्होंने 1953 में प्रेजेंट किया। उसको उन्होंने कोपेन गीगल बुक के नाम से भी उन्होंने उसको बताया था। फिर जैसे ही कोपेन सर का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की एंडिंग होती है, थॉर्नवेट सर ने कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को चैलेंज किया और उन्होंने बताया कि आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा स्पेशली बेस्ड है वेजिटेशन को लेकर के। उसमें एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया था, ज्यादातर रेन के जो फैक्टर्स थे उसको इग्नोर किया गया था। तो उसी को चुनौती देते हुए हम बोल सकते हैं थॉर्नवेट सर भी अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन लेकर आते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि कोई इंसान है, कोई किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो वो चुनौती दे देता है, फिर उनसे बोलते हैं कि अब आप करके दिखाइए कि आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कोपेन सर का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एंड होता है, उसी के बाद में आपके थॉर्नवेट सर का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आज तक ऑब्वियसली आज के लगभग 100 125 साल पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया था, लेकिन फिर भी आज भी सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन कोपेन और थॉर्नवेट सर का माना जाता है। कोपेन सर बेसिकली ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने कैंडाल का बेस बना करके अपना क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। थॉर्नवेट सर जो थे वो अमेरिकन थे और उन्होंने सबसे पहले 1931 के अंदर अमेरिका का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था। जब उन्होंने अमेरिका का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी प्रेजेंट नहीं किया था, बेसिकली उन्होंने अमेरिका का एक क्लाइमेट का मैप बनाया था कि अमेरिका में कौन सी जगह पे कौन कौन सी क्लाइमेट आती है, क्लाइमेटिक मैप बनाया था उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने अमेरिका को अलग अलग पार्ट्स में देखते हुए उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। जब 1931 में उनको अपने इस मैप में सफलता मिली, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया 1933 के अंदर। जब भी वो 1933 के अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया, तो उन्होंने वर्ल्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और इतने पार्ट्स में डिवाइड किया कि वो बहुत ज्यादा टिपिकल होता चला गया। फिर उन्होंने इसके अंदर थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करके 1948 में उन्होंने अपना फिर से क्लाइमेट क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इनके 31 का, 33 का एंड 48 का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो जो बेसिक बात है आज की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नोट करने हैं, ओके, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ही वाज ए अमेरिकन ज्योग्राफर।
अमेरिकन ज्योग्राफर ये थे, सबसे पहले 1931 में इन्होंने अपना प्रेजेंट किया, देन 1933 में प्रेजेंट किया, और फिर 1948 में इन्होंने अपना फाइनल क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया था। बिल्कुल, काफी लोगों को पता है, कुछ लोग बता भी रहे हैं, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने 31, 33 एंड 48 अमेरिकन ज्योग्राफर थे, पहले इन्होंने अमेरिका पे किया। इनका क्लासिफिकेशन कोपेन के कंपेयर में थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन हम उसको इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको वो टफ लगेगा ही नहीं। 31, 33 एंड 48 ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब चलिए, सबसे पहले जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। हाँ जी, आपसे एक सवाल यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि इनकी अप्रोच क्या थी, इनकी अप्रोच क्या थी। तो इनकी अप्रोच भी इंपेरिकल अप्रोच थी। यानी कि ये भी आपके आनुभाविक, आनुभाविक उपागम, सॉरी, एम्पेरिकल अप्रोच पे काम करते थे। यहाँ पे अप्रोच भी इनकी एम्पेरिकल थी, थॉर्नबेट सर के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अपन कंपेयर करें इनमें और कोपेन में, तो कोपेन सर अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 1900 में ला चुके थे, फिर 1915 में लेकर आते हैं, फिर 1918 में लेकर आते हैं। तो इन तीन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थॉर्नबेट सर ने देख लिया था, इनसे देखते हुए 1931 में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कोपेन सर का जो क्लासिफिकेशन था वो वेजिटेशन बेस्ड था, या उनके क्लासिफिकेशन में उन्होंने वनस्पति को ज्यादा वो किया था, तो वैसे ही जो थॉर्नबेट सर थे, थॉर्नबेट सर ने भी कुछ नया नहीं दिया था। इन्होंने भी एक चीज को ये आराम से एक्सेप्ट किया कि जैसे वेजिटेशन जो होती है वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को बताने के लिए इनफ होती है। आप, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ, आप लोगों को इससे इजीली आइडिया लग जाएगा। एक चीज मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई पेड़ है, बस ये पेड़ के लिए ना ये चल जाना चाहिए, पेन चल जाना चाहिए, तभी समझ में आएगा। आज कुछ इशू हो रहा है शायद। चलो कोई बात नहीं, अपने को ऐसे ही पेड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपके सामने ये पेड़ है, एक तरफ आपके सामने ऐसा कंटीली झाड़ियां है, मतलब मैं आपको बोलूं कि एक तरफ आपके सामने कोकोनट है और एक तरफ आपके सामने कैक्टस है, तो आप कोकोनट को ज्यादा वैल्यू, कोकोनट को आपको ज्यादा लगेगा या वो? अब मैं आपको बोलूं कि कोकोनट है, एक तरफ है कैक्टस है, तो आप कोकोनट को देख करके आइडिया लगा लेंगे ना कि अगर कोकोनट है इट मींस कि ये एक कोस्टल एरिया है, और आप बोल सकते हैं कि कैक्टस है इट मींस कि ये एक डेजर्ट या फिर कंपेरेटिवली ड्राई एरिया है। बोलते हो या नहीं बोलते हो? ठीक है, कहीं पर आपको इस शेप के पेड़ मिल जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं पोलर एरिया है, या फिर ये काफी हाइट पे है, मतलब कि सर्दियों में उग रही है ये वनस्पति। ठीक है, सिमिलरली इसी के साथ साथ मानिए कि आपको कहीं पे ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जो जनरली हम लोग अपने स्कूल में पेंटिंग्स में बनाया करते थे, इसको देख के आपको लगेगा कि ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, मतलब कि यानी कि ये पर्णपाती, सॉरी, पतझड़ वाले वन है। तो हम हर जगह को देख के पहचान सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ थॉर्नबेट सर ने भी एक्सेप्ट किया कि वेजिटेशन जो है वो क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वेजिटेशन को उन्होंने स्वीकार भी किया था। लेकिन यहां तक वो रुके नहीं थे, जहां कोपेन सर के लिए बोला गया कि इन्होंने वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन एंड एवोपरेशन तीन चीजों को माना, ऐसा ही कुछ थॉर्नबेट सर ने भी माना। इन्होंने बोला कि वेजिटेशन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इनका ये बोलना था कि वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करती है कि वहां पे कितनी बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ वहां पे कितना टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे कितना एवोपोरेशन हो रहा है। राइट, आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। सिंपल सी बात है, इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि आप लोग बोल रहे हैं वेजिटेशन, ठीक है, इन्होंने वहां पे इसको पूर्ण रूपेण यहाँ पे इसको स्वीकार किया था, वेजिटेशन को इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इनका ये मानना था कि रेनफॉल, और रेनफॉल जो है वो इफेक्ट होती है आपके टेम्परेचर से, और टेम्परेचर के साथ साथ वहां पे किस मात्रा के अंदर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, एवोपोरेशन हो रहा है, इसको भी उन्होंने उतनी ही मात्रा के अंदर एक्सेप्ट भी किया था। आज मुझे लगता है शायद चैट में ज्यादा आनंद आ रहा है आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लो, नहीं मैं, और हाँ आप लोगों को एक चीज और बता दूँ, कल परसों
परसों सुबह 10:30 बजे कोपेन और थॉर्नविट के क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज होंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो जो मिस कर देगा मैं यहाँ नहीं कराने वाली हूँ, मैं वहीं करवाऊंगी, तो जो मिस कर देगा वो कर ही देगा। और उसका फायदा ये होगा ऐप पे जाने का, आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जो क्लास है उसका मिश्रा जी, मैं वही बता रही हूँ, जो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होंगे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप सीधा मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थॉर्नवेट सर ने अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में किसको वैल्यू दी थी? उन्होंने वनस्पति वनस्पति को वैल्यू दी। वनस्पति के साथ साथ उन्होंने वर्षा और वाष्पीकरण, वर्षा वाष्पीकरण और आपका तापमान, इन सारी चीजों को उन्होंने इक्वल वैल्यू दी। ऐसे इक्वल देने के साथ साथ में उन्होंने ये बोला कि वनस्पति के साथ साथ, क्योंकि किसी भी जगह पे, अभी जैसे जहां पे कैक्टस है इसका मतलब ये है कि वहां टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल कम है। जहां नारियल है वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, रेनफॉल भी उतना है। जहां पे आपके अल्पाइन वेजिटेशन है, इट मीन्स वहां पे टेम्परेचर कम है और एवोपोरेशन की रेट भी कम है। तो इन्होंने ये बोला कि कहीं पर भी अगर वनस्पति के बारे में हमें पता लगाना है, तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहां पे किस मात्रा के अंदर आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। इसको उन्होंने अलग अलग, इनके लिए जो अपन अभी बात कर रहे हैं 1930 के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के, 31 के, ठीक है, तो 31 के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इन चारों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बात बोली थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है उसका प्रेसिपिटेशन। याद कर लेना, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल दिया था। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्षण प्रभाविता। मैम ज्योग्राफी की 3 PM वाली क्लास अब मॉर्निंग में, बिल्कुल बिल्कुल, ज्योग्राफी की 3 बजे वाली क्लास अब मॉर्निंग में 10:30 पे होगी। प्रेशर प्रभाविता, तो जो आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज पीई रेशियो। मतलब इसको निकालने के लिए भी उन्होंने बात बताई थी, इसको निकालने के लिए भी बात बताई थी। अब जैसे पीई रेशियो है वो कैसे निकाला जाए, जनरली कोई पूछ लिया जाए कि पीई रेशियो, भाई साहब ने बता तो दिया लेकिन हम निकाला कैसे जाएगा, तो पीई रेशियो के लिए इनका बहुत ही सीधा सा मत ये था कि 1 महीने में कितनी बारिश हो रही है, 1 मंथ में होने वाला रेनफॉल और उसी रेनफॉल के कंपेयर में होने वाला एवोपोरेशन, उससे आपका क्या निकल सकता है, पीई रेशियो निकल सकता है। लाइक मैं ये बोल सकती हूं कि रेनफॉल अपॉन एवोपोरेशन इन अ मंथ, मतलब कि वर्षा अनुपात वाष्पीकरण। थोड़ा सा टफ है बट इजी है, समझ सकते हैं अपन, इजीली इसको समझ सकते हैं। जी हाँ, रेनफॉल अपॉन एवोपोरेशन, कि 1 महीने में मानी इतनी बारिश हुई तो उसमें एवोपोरेशन क्या है। और उसमें भी वनस्पति को इन्होंने पता है क्या बोला था, कि हर जगह वनस्पति नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि वहां पे वो जो पर्टिकुलर वनस्पति है वो किस वातावरण से प्रभावित हुई है और किस प्रकार की वर्षा से वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने 1930 के अंदर उन्होंने अपना पीई रेशियो दिया था, एक चीज साइड में नोट करना, इन्होंने दोस्तों अपने दो रेशियो बताए थे, फर्स्ट इज पीई रेशियो, सेकेंड इज टीई रेशियो। पीई रेशियो जो था 1931 में दिया था और टीई रेशियो 1933 में दिया था। तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे याद रखने हैं थर्मल एफिशिएंसी के बारे में, पीई रेशियो एंड टीई रेशियो, इसके बारे में इन्होंने बात की थी और अलग अलग जोन में इसको डिवाइड किया था इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, अब देखिए, तो सबसे पहले अपन ने पीई रेशो निकाल लिया, पीई रेशो के लिए उन्होंने बड़ी सीधी सी बात बोली थी। अब ये जो पीई रेशो था ना, इसको अपन अब देख लेंगे कि आखिर किया क्या था कि थॉर्नविट सर ने। तो गाइस याद रखना, 1931 में थॉर्नविट सर, उन्होंने अपना एक दिया था पीई रेशो के अकॉर्डिंग, जैसे कोपेन सर ने आपके 5 जोन बांटे थे, ए बी सी डी और ई, लाइक मेगा मेसो माइक्रो जेरियोफाइट हेगिस्टो। सिमिलरली इन्होंने अपने पी रेशियो, मतलब कि वाष्पीकरण के आधार पे इन्होंने भी क्या किया गया था, 5 जोन में डिवाइड किया गया था। इन्होंने भी क्या किया था, पी रेशियो के अकॉर्डिंग
फाइव जोन बना दिए थे, फाइव जोन बना दिए थे, और उन फाइव जोन का नाम इन्होंने रखा था ह्यूमिड जोन। मतलब आर्द्रता प्रदेश। तो ऐसे करके इन्होंने अपने पांच जोन बता दिए, ह्यूमिड जोन जिनको बोला गया, ह्यूमिडिटी जोन सॉरी, इसको अपन ने आर्द्रता प्रदेश का नाम दिया गया था। इसको भी इन्होंने जैसे कोपेन्सर ने किया था ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे उसको पांच में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। वो कौन कौन से पार्ट थे देखिए उनको यहाँ पे सबसे पहले। अरे भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है आज। सबसे पहले उन्होंने बताया था, सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे ह्यूमिडिटी जोन, ह्यूमिडिटी जोन सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद में आएगी वेजिटेशन, कि कौन सी वनस्पति कौन से ह्यूमिड जोन में मिलेगी। एंड देन उसके बाद में आएगा उनका एग्जैक्ट पीई रेशियो क्या है। ओके देखिए, अब सबसे पहले ह्यूमिड जोन में उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे, लाइक ए बी सी डी और ई, राइट। पांच जोन उन्होंने यहां पे उनके बता दिए थे, ए बी सी डी और ई, पांच जोन उन्होंने बताए थे। अब ए का मतलब उनके यहां से था कि ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, राइट। इसको उन्होंने क्या बोल दिया था, जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, जिसको अपन बोल सकते हैं वेट रीजन, वेट बोल दो या फिर तर बोल दो, ठीक है। अब बी क्या होगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा, लाइक यहां पे आ जाएगी आपकी ह्यूमिड, यहां पे आपकी ह्यूमिडिटी आ जाएगी, इट मींस आर्द्र प्रदेश, नोट करते चलना। फिर सी में क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। कोपेनसर में अपन लेटिट्यूड वाइज देख रहे थे, यहां पे अपन थोड़ा सा डाउन जाएंगे, यहां पे अपन ह्यूमिड वेज देखेंगे कि सबसे पहले वेट मतलब तर, फिर ह्यूमिड, फिर आपके आ जाएगा सब ह्यूमिड। सब ह्यूमिड मतलब कि उप आद्र। राइट सी, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाएगा आपके सेमी एरिड। सेमी एरिड का मतलब होता है अर्धशुष्क, वेरी गुड। बट आज आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, सेमी एरिड का मतलब होता है अर्धशुष्क, सॉरी अर्धशुष्क, और फिर आ जाता है सबसे लास्ट में जिसको अपन बोलते हैं एरिड, मतलब कि शुष्क। पेन नहीं चल रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये मतलब मैंने ये किया वो तो चल गया, जो चाहती हूँ वो चल नहीं रहा है। वाह, अच्छा अभी वो भी नहीं चल रहा, वाह। चलो मैं इससे देखती हूँ क्या हो रहा है आज की क्लास में। अरे भाई वेरी गुड इवनिंग, पर गुड इवनिंग लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि मैं अब तक बिल्कुल भी एकदम चाहते क्या हो। आज मुझे कराना है थॉर्नबिट क्लासिफिकेशन, और वह एनी हाउ मैं करा के रहूंगी, चाहे कच्छू भी हो जाए, कच्छू भी करा के रहेंगे आज। पर ये चले तो अब की बात है ना, मैं तो करा दूंगी।
हे भगवान। अरे मैं सब क्लियर कर दूंगी रंजीता जी, डोंट वरी। पर अभी मैं एक नए ट्रबल में फंस चुकी हूँ और ये ट्रबल से मैं कैसे निकलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में आज। मतलब इतनी सुंदर हैंडराइटिंग भी चल रही थी आज तो मेरी, उसको शायद यही पसंद नहीं आई। मुझे 1 मिनट का आप लोग कृपया समय दीजिए, मैं अभी आई। Hey guys, I'm back. Yes. अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा परमानेंट सॉल्यूशन के साथ में मैं प्रवेश करी हूँ आपकी क्लास में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आ गई यहाँ, मेरे को पहले शुष्क लिखने दो, देखो वो मेरा। हाँ, अब ये क्यों नहीं, व्हाइट कलर की इंक थोड़ी है। ये क्यों नहीं चल रहा। हाँ, ये देखो ये बराबर चल रहा है ना। अब देखना, देखो अब यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी वो नहीं चलेगा, ये जगह खराब है। इरेजर भी चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है अपने को ये काटना चाहिए, वेजिटेशन जोन में आ जाते हैं। इसमें भी नहीं चल रहा है, लाइक कोई प्रॉब्लम है क्या। ये देखो, वाह, दुनिया के सारे काम हम करेंगे बस यहाँ नहीं लिखेंगे। वाओ, मान गई मैं आज। मैम पेन को पकड़ के ठंड लग गई है, चलने का नाम नहीं ले रहा है। बताओ यार, मतलब ये चल क्यों नहीं रहा है। ये देखो, हाँ तो शुष्क, इसको थोड़ा सा मैं चलाती हूँ, जैसे अपने होता ना पेनों को अपने चलाते हैं, तो थोड़ा चलाना चाहिए। मैप बनाइए। वाओ, गुड सजेशन। ये देखो, ये यहां पे आके फिर से गायब। अरे मतलब ये तो शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि इतनी नाराजगी मेरे शुष्क लिखने से। नहीं लिखूंगी, ये बुरा लग गया इनको। अरे ये यहां भी चल रहा है पर यहां नहीं चल रहा है, शुष्क नहीं लिखा जा रहा है, बाकी सब लिखा जा रहा है। मतलब ये देखो राउंड भी हो गया पर ये शुष्क नहीं लिख रहा है। कोई बात नहीं, वेट रीजन में अपन चलते हैं। वेट रीजन में आपके आएंगे रेन फॉरेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं वर्षावन। हाँ,
ये देखो भाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके नॉर्मल वन, ठीक है। ह्यूमिड में आपके आएंगे घास के मैदान, जिसे हम स्टेपी भी बोल सकते हैं। मतलब आज तो वाकई में नाराजगी आ गई, शुष्क लिखो ही मत। अब शुष्क हो तो हो, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आएगी स्टेपी, सॉरी यहाँ आएगी स्टेपी, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे मरुस्थल। मरुस्थल भी मत लिखो, शुष्क के लिए तो मना किया ही था, मरुस्थल भी मत लिखो। यास तो मतलब वाकई में जादू हो गया क्या, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है। मरुस्थल भी मत लिखो, हे भगवान। चलो फिर से ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं इनका पीई रेशो क्या है। इसका जो पीई रेशो है वो है 120 से ऊपर, ठीक है। आपके जो ह्यूमिड रीजन आते हैं, इनका आता है 64 to 127, इसका आता है लगभग आपके 32 to 63, स्टेपी का आता है आपके 15 to 32, और यहां पर आता है ये 16 से कम। बस ये शुष्क और मरुस्थल इस जोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे नॉर्मल फॉरेस्ट, यहाँ पे ग्रासलैंड, यहाँ पे स्टेपी। अब देखो ये मरुस्थल लिखा नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे लिख दूँ। मान लो डेजर्ट, मैं राजस्थान से इसलिए नाराज हो गया कि इतना सबसे लास्ट में क्यों डाला है, ये कोई ए पे डालना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था मरुस्थल। मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई मरुस्थल। नीचे नहीं लिखेगा अपना नाम, नीचे नहीं जाएगा ये मरुस्थल, जिसको बोला जाता है शुष्क, ठीक है। इसका पीई रेशियो है 16 से कम। हाँ तो मैं हूँ सोनी जी राजस्थान से, डोंट पैनिक डियर। चलो थोड़ा आगे बढ़े आप अपन। इतना देख लिया ना आपने, अब मैं आप लोगों से बहुत कुछ अच्छी चीज डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत बढ़िया चीज डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए अब इतना तो आप लोग सभी जान चुके हैं, देखिए मजाक हो चुका है, अब इतना लंबा मजाक अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो मजाक अपना हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपन ने कितने जोन में डिवाइड किया था, ए बी सी और डी। अब ऐसे थॉर्नवेड सर ने क्या दिमाग लगाया अपना, आप सोचो। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, आप लोगों को सीधे 20 क्लाइमेट रीजन याद, नाम याद हो जाएंगे सीधे 20 एक साथ। आप इमेजिन कर सकते हो कि 20 क्लाइमेट रीजन आपको याद हो रहे हैं थॉर्नवेड सर के, वो मैं बताऊंगी आपको। देखो आपको जैसे अपन ने कोपेन सर के पढ़े थे ना, RFGSWKHY ऐसा कुछ, तो वैसे आपको थॉर्नवेड सर के याद करने, सिर्फ चार है। थॉर्नवेड सर ने 15 नहीं बताया, ये सिर्फ चार बताए, इन चार से हम 20 बना देंगे। कैसे, इन्होंने जैसे थॉर्नवेड सर थे, क्या कोपेन सर थे, कोपेन सर ने आर दिया था, नहीं दिया था ना, इन्होंने आर दिया था। इन्होंने इन्होंने आर को क्या दिया था कि इनफ इनफ रेनफॉल, राइट, यानी कि वर्ष भर पर्याप्त वर्षा। ठीक है, इनफ रेनफॉल। फिर एक आता है आपके एस, ये स्मॉल है, सारे स्मॉल में जा रहे हैं, उसको मुझे स्मॉल ही कर देना चाहिए, स्मॉल, ठीक है। एस को उन्होंने क्या बोला गया था, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल इन समर, ठीक है। फिर एक आते हैं आपके स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब है लो रेनफॉल इन विंटर, ठीक है। एक आता है आप लोगों के लिए सबसे स्मॉल डी, इसका मतलब आता है लो रेनफॉल इन एवरी सीजन, ठीक है। आ गया समझ में, तो इसका मतलब ये है कि ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, अब इससे आपको याद रख लेना है ये, ठीक है। इसका मतलब है शीत ऋतु में कम वर्षा, और इसका मतलब है सभी मौसमों में कम वर्षा, सभी मौसम में कम वर्षा।
राइट, बस ये पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। अब अपन बात करते हैं सीधे 20 पे, अपन चलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सारे जोन को पांच पांच पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 20 याद करने ना, 20 क्लाइमेट जोन याद करने के आपको बता रही हूं मैं। 20 देखो, कितने क्लाइमेट जोन बताए थे उन्होंने पीई रेशो के अकॉर्डिंग? पांच। कितने बताए थे? पांच बताए थे ना, ए बी सी डी और ई। इतने तक मैंने गलत किया है? नहीं किया ना। चलो अब इनके आगे चार चार और लगा दो, ए ए ए ए, देन चार बार बी। अभी अपन थोड़े अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन चार बार सी, देन चार बार डी, देन चार बार ई। राइट, यहां तक का क्लियर? यस। इतना इतना किया था ना इन्होंने, ए बी सी डी ई बताया था, तो अपन ने क्या किया, इसको चार चार कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल आर कैपिटल एस, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी, ठीक है? फिर यहां पे स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी, ठीक है? स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी, देन अगेन स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। राइट, क्या हो गया आपके? अब बताओ यहाँ पे 20 क्लाइमेट जोन अपने निकले या नहीं निकले, निकले या नहीं निकले, जल्दी से बता दो। देखो मजाक नहीं, बहुत मेहनत हो गया आज, निकले ना? वेरी गुड, बस यही आपके जोन थे। अब कोई भी आपसे पूछे कि ए को बताओ और आर को बताओ, तो भाई ए के साथ में आर आएगा या नहीं आएगा? थोड़ा सा चलो मैं ही आप लोगों का टेस्ट ले लेती हूँ। ए के साथ में आर आएगा या नहीं आएगा? क्यों? ए का मतलब वेट, तर, आर का मतलब जहां पे इनफ रेनफॉल है, ठीक है? बी का मतलब क्या? सेमी एरिड, लेकिन वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बारिश हो। ई का मतलब क्या हो रहा है? ई का मतलब क्या हो रहा है? जहां पे वर्ष भर पर्याप्त वर्षा है लेकिन सूखा इलाका है। सोचो थोड़ा सा, चार उपभागों में उन्होंने हर मौसम को डिवाइड किया था, आर्द्रता प्रदेश में से चार चार उपभागों में। जैसे मानिए कि ई है, ऐसा नहीं है कि वहां पे ए के बराबर बारिश हो रही है, लेकिन इसके कंपेयर में सर्दियों में कम, सर्दियों में ज्यादा, सभी मौसमों में कम, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ये मत मानना कि मैम ई के साथ में आर कैसा आ गया, यहाँ पे ई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर है। तो ये इनके क्या है, सब पॉइंट्स है कि इनके छोटे पार्ट्स है, तो ये आपका याद हो जाएगा ये तरीका आपको। करेक्ट, वेरी गुड। तो अब अपन ने कितने याद कर लिए? 20। मैम एग्जाम कब होगा? 1 ईयर हो गया वेट करते हुए। बिल्कुल, मुझे भी 15 से 23 के बीच में फाइनल, इस बार तो हो गया रहेगा, नहीं होगा तो फिर अपन करते हैं कुछ। तो अपना पीई रेशो क्लियर है। अब अपन बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी पे। थर्मल थर्मल एफिशिएंसी, जिसको अपन बोलते हैं तापीय दक्षता। अब भाई तापीय दक्षता क्या होती है? अब भाई जहां पे उन्होंने बताया कि वेजिटेशन वेजिटेशन वेजिटेशन, एक बार ये भी बोली गई कि वेजिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल आपका तापमान का भी तो है, तो जैसे उन्होंने पीई रेशो निकाला था वैसे ही उन्होंने क्या रेशो निकाल दिया, नया टीई रेशो। राइट, वैसे उन्होंने एक नया रेशो निकाल दिया जिसको उन्होंने नाम दिया आपका टीई रेशो, ठीक है? जिसको अपन टीई इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको भी उन्होंने क्या किया गया था, अपने अलग अलग थर्मल जोन में डिवाइड किया गया था। टीई रेशो में क्या हुआ था, थर्मल जोन में डिवाइड हुआ था। ठीक है, थर्मल जोन मतलब तापीय प्रदेश। बस ये नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं, प्री रेशियो एंड पीई रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी एंड टेम्परेचर एफिशिएंसी।
ओके चलो अब देखो इस बार मुझे लगता है कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए की। मुझे लगता है इस बार कुछ आएगा, बट तापमान है तो तापमान से तो आ ही जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया था, वही आपके यहाँ पे लिख देंगे अपन थर्मल जोन, ठीक है, थर्मल जोन और उनका पीई रेशियो, रेशियो बोल दो या फिर सूची बोल दो, सेम बात है। थर्मल जोन में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, ए को एज इट इज नहीं लिया, ए के आगे कॉमा लगा दिया, फिर बी को भी एज इट इज नहीं लिया, उसके आगे भी कॉमा लगा दिया, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। इसमें इन्होंने एक को ज्यादा रखा, ठीक है, एक को इन्होंने ज्यादा रखा। अब इन्होंने क्या क्या नाम दिया, थर्मल जोन है इसका मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या होता है आपके ट्रॉपिकल रीजन में होता है, तो यहाँ पे जो इन्होंने सबसे पहले उसकी बात की थी तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन आ गया। अब बी में क्या आ जाएगा आपके, बी में ज्यादा इतना नहीं आएगा, बी में आएगा आपके मेसोथर्मल, सेम कोपेन को वो कर लिया था इन्होंने, मेसोथर्मल, जिसको अपन बोल सकते हैं मध्य तापीय, ठीक है। सी पे इन्होंने क्या बोला गया था, माइक्रोथर्मल। इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने मेसोथर्मल जो सी का था ना कोपेन में वो बी को दे दिया, डी का जो माइक्रोथर्मल कोपेन में था वहां पे इन्होंने सी को दे दिया, वो चीज सेम है, बस थोड़ा सा बस इधर उधर का वो किया है, सूक्ष्म तापीय बोलेंगे अपन इसको, राइट। फिर आता है आपके सामने डी, डी को तो टैगा, सिंपल सी चीज है, टैगा क्लाइमेट नाम दे दिया गया। देन आते हैं आपके बाद में ई, जिसको बोला गया था टुंड्रा, सिमिलर है, और एफ उसको थोड़ा अलग कर दिया गया था, एफ बोला गया था आपकी फ्रॉस्ट रीजन, फ्रॉस्ट मीन्स स्नो कवर्ड एरिया, फ्रॉस्ट। देखो यहां पे सब कुछ ठीक था, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब अपने से एक चीज पूछी गई, अब इनकी टीई रेशियो बताइए, तो भाई जहां ट्रॉपिकल रीजन है उसका टीई रेशियो कितना रहेगा, 127+, ठीक है, मेसोथर्मल जहां आ जाएगा वहां का टी रेशियो 64:127, सूक्ष्म तापीय का कितना आ जाएगा 32:63, टैगा का कितना आ जाएगा लगभग आपके 15:31, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा आपका 1 से लेके 15, और फ्रॉस्ट का 0, क्योंकि तो फ्रॉस्ट रीजन आ गया वहां पे तो 0 होता है सब कुछ, करेक्ट। तो ऐसे करके हमारे तापीय प्रदेश भी आपको समझ में आ गए और ये भी आ गया। अब भाई इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या, अब मैं आप लोगों को देने वाली हूं एक बढ़िया सी न्यूज़। अब जैसे अपन ने 20 पार्ट में डिवाइड किया था ना, वैसे अकॉर्डिंग टू टीई रेशियो थॉर्नबिट सर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 120 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बस करने की क्षमता होनी चाहिए, 120 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन थॉर्नबिट सर ने आपने आपका और हमारा ध्यान रखा, उनको लगा आने वाली जनरेशन इतना याद तो नहीं कर पाएगी, तो इन्होंने इसको सिर्फ 32 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट 32 पार्ट्स भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ही है, इतना ईजी तो नहीं है 32 पार्ट्स को भी कवर करना। यस इट इज अ थॉर्नबिट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो 120 को तो आपने समझ लेना है थी कि वो बोल रहे थे कि 120, बट उनको पता था आपके और मेरे जैसे लोग आगे आके पढ़ने वाले हैं तो इतना अपने बस की बात होगी नहीं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं 32 कर देता हूँ, 32 से देखो 1 रुपया कम नहीं होगा, 32 से एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कम नहीं हो। तो आप में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हैं पूरे 32 के 32 को करने के लिए, आर यू एक्साइटेड गाइस, शुरू करें। अब इसमें उन्होंने क्या किया था, पीई प्लस टीई रेशियो को डिवाइड किया था, पीई और टीई रेशियो को डिवाइड किया गया था, ओ सॉरी 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 सॉरी,
एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? तो मैम 16 to, हाँ सॉरी 16 होगा, 16 होगा, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है चलो, तो अब मैं आप लोगों को बड़ी ही आसान भाषा में बात को समझाने वाली हूँ। देखो कृपया मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे 32 के 32 नंबर को लिख लेने हैं। ओके देखो मैं बिल्कुल एक बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ, अपना कमरा बंद कर लो, कान को खोल लो। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, सबसे पहले यहां पे लाइव ही लगा दी थी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई थी, दोनों में ही अगर आप लोगों को एक बेस अगर मैं बनाऊं कि दोनों में स्टार्टिंग आपकी कहां से हुई थी, तो ए से स्टार्ट होती है सारी, सारे जितने भी अपने नाम आते हैं वो सारे ए से स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ए को लिखेंगे। ए कितनी बार अच्छा लगेगा लिखना, ए ए और ए, 3 बार ए को लिख दो। देखो सारी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगी। ए, देन अपना आएगा बी 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 और बी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अपन 8 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, फिर 9th नंबर पर भी बी आएगा और 10th नंबर पर भी बी आएगा। ठीक है, अब 10 to 11, 11 to 20 आपके सी आएगा, लाइक सी 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 करो, देखो देखो देखो, सी 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 एंड सी, राइट? यहां तक अपना आ गया सी। अब 21 से अपन स्टार्ट करेंगे इसको फिर से। टफ नहीं हो रहा है, टफ नहीं हो रहा है, स्लोली स्लोली अपन चल रहे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं हो रहा है, समझते चलो। अब देख लो 21 to 26, अब अपन इसको डी पे शिफ्ट कर देंगे। डी डी एंड डी, अरे डी, ठीक है कितने पे करना था, 26 पे, एंड डी 26 तक डी पे शिफ्ट कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे अपने को जो रिमेनिंग अपना पार्ट बचते हैं, जैसे कि 27, अब 27 पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ई आ जाएगा। 28 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। 29 पे भी अपना क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है यहां तक का तो क्लियर है। अब 30 31 और 32, लाइक 30 31 एंड 32, इसमें अपने को सिंपल सा यहाँ पे इसको खाली छोड़ दो, अभी इसको खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो। अब तक का तो क्लियर हो गया। अब जो ए था, ए के आगे अपन क्या कर सकते हैं, 25 भूल गई क्या मैं? अच्छा मैंने 25 छोड़ दिया, ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, ले लिया ले लिया, अरे ले लिया भाई ले लिया। अब देखो ये चलेंगे अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे कितनी बार लिखा है, ए बी सी, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए के आगे अपन लगा देंगे ए, इसके आगे लगा देंगे अपन बी, और इसके आगे लगा देंगे अपन सी, राइट? समझने में आ गया कि ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ए के आगे अपन क्या लगा देंगे, सबसे पहले अपन ने पीई रेशियो के अकॉर्डिंग काम किया था, अब अपन किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, पीई रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले अपन ने ए, फिर आगे बी, फिर आगे सी लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, बी की क्वांटिटी क्या है, 10 है, तो थोड़ी ज्यादा है, तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को, ए देन अगेन ए देन उसके बाद में बी देन अगेन बी, बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ, और देन फिर से बी, 3 बार बी अपन इसमें कर लेंगे और 2 बार अपन यहाँ पे सी कर लेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फिर आ रहा है सी, सी कितने टाइम आ रहा है, सी आ रहा है पूरे 10 टाइम, तो 10 टाइम आ रहा है, तो सबसे पहले ए, 3 3 बार बांट लो इसको, ए ए देन बी बी एंड बी, 3 3 टाइम अपन ने इसको बांट लिया। इसको बी का थोड़ा सा यहाँ पे लंबा जाएगा, फिर आपके आता है 18 19 और 20, 3 बार अपने सी बचता है, तो अभी यहाँ पे अपन क्या ले आएंगे, सी सी और सी। इज इट क्लियर? फिर देख लो डी के आगे ए ए बी बी
डी कितनी बार था? डी था आपके 6 बार आना चाहिए ना। हाँ, ए ए बी 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 एंड देन सी, ठीक है। फिर उसके बाद में आया आपके ई, ई के आगे भी ए लग जाएगा, इसके आगे भी बी लग जाएगा, वो लग जाएगा, इधर एक और ई आएगा, उसके आगे सी लग जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो मैं बहुत इजी मेथड से समझा रही हूँ, मैं अगर एक एक को डिफाइन करने लगी ना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अपन ने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले अपन ने सबको पीई रेशो को लिख लिया, फिर अपन ने उसमें आने वाले टीई रेशो को लिख लिया, आंसर किया ये। बस आप लोग इस मेथड से इसको याद करते चलोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब अपने को जो छोटे छोटे पार्ट थे वो सारे हो गए, अब अपने को करना कुछ नहीं है, अब अपने सामने अपने को याद रखना है सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी पॉइंट, वो छोटे से पॉइंट। अभी जैसे ए टाइप क्लाइमेट जो है ना, इसमें याद रखना हमेशा स्मॉल आ रहेगा, ए टाइप क्लाइमेट में हमेशा स्मॉल आ रहेगा, ठीक है। इससे अपनी ए टाइप क्लाइमेट कंप्लीट हुई, ए टाइप क्लाइमेट अपनी कंप्लीट हुई, ठीक है। इसमें आपके आर आएगा, डब्ल्यू आएगा, आर आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। दो पार्ट्स में अपने ये नंबर आएगा, फिर इसके कुछ पार्ट्स में एस आएगा, एस आने के बाद में यहाँ पे फिर से आर आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। एस आने के बाद में फिर से यहाँ पे आर आ जाएगा और फिर आपके फिर से ऐसा आएगा। तो यहाँ पे छोटी चीजें चलेगी, यानी कि वर्ष भर वर्षा नहीं हो रही है ये सब, ठीक है। देन सीए में एक सिचुएशन में आएगा आर, एक सिचुएशन में आएगा आपके डब्ल्यू, एक सिचुएशन में आएगा आपके डी, ठीक है। फिर बी में एक सिचुएशन में आर, फिर एक सिचुएशन में डब्ल्यू, फिर एक सिचुएशन में डी। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं एक बार आप लोगों को लिखवा दूं, फिर मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली इस चीज को समझा दूंगी। एक बार मुझे लिखवा देने दीजिए आप लोग, ताकि मुझे और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए मैं भी जब भी पढ़ाती हूँ ना तो कंफ्यूजन तो होता है, कोई इसमें दोराय नहीं है, कंफ्यूजन इसमें होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं मैम कोपेन ही सही था इससे, तो वही तो मैं कह रही हूं, इन्होंने क्या सोच करके इसको बनाया। इसको बनाने का जो रास्ता है वो बहुत इजी है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, मैं आपको बोल तो रही हूँ, इतना इतना इजी बता दिया इन्होंने कि आप क्या ही करोगे। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, अभी जैसे मैंने ए टाइप क्लाइमेट बताई है, ए ए आर, ए का मतलब क्या है? सिंपल, ए का मतलब क्या है? ह्यूमिड वेट रीजन। ए कॉमे का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल जगह पे वेट रीजन। और आर का मतलब क्या है? जहां पे पूरे साल बारिश हो रही है। ए बी और आर का मतलब क्या है? यानी कि वेट रीजन है लेकिन वहां पे सब ट्रॉपिकल है और पूरे साल बारिश हो रही है। ए सी आर का मतलब क्या है? यानी कि आपके माइक्रो थर्मल में वेट रीजन, जहां पे पूरे साल बारिश हो रही है। वैसे ही आपके बी है, बी का मतलब हो गया आपके ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ह्यूमिड रीजन, जहां पे क्या हो रहा है आपके? ट्रॉपिकल है, पूरे साल बारिश हो रही है। कुछ जगह जहां पे सर्दियों में कम बारिश हो रही है, कुछ जगह जहां पे पूरे साल हो रही है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा अलग है। तो ऐसा आप लोगों को अगर इक्वेशन समझ में आ जाएगी तो आप सारे कर सकते हो आराम से। इक्वेशन आप लोगों को समझने में आनी चाहिए, बाकी आप यहाँ पे सारे कर सकते हो, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज ये थे थॉर्नबिल सर का क्लासिफिकेशन, जो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा मात्रा में टिपिकल बोला जाता है, बहुत ज्यादा टिपिकल ये माना जाता है यहाँ पे। आया समझ में? कुछ तो आया होगा, कुछ तो, या कुछ भी नहीं समझ में आया। मैम नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, इस बात पे लाइक कर दो। देखो इतनी मेहनत से मैंने आप लोगों को बताया, इस बात पे लाइक कर दो। बिल्कुल रिकॉर्डेड देखिएगा और समझने में आपको इसका आ ही जाएगा, इसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टफ नहीं है, एक साथ इतने ज्यादा है इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इसमें पीई रेशो याद रखो, टीई रेशो याद रखो, छोटी चीजों को याद रखो,
एवरीथिंग क्लियर आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम में आपको नहीं जाना है, राइट right? चलिए गाइस, तो अब अपन थोड़ा सा इनका आलोचना कर लें। सबसे बड़ी आलोचना आपकी नजर में क्या है इसकी, कोई बताएगा मुझे? मैं आपसे ओपन चैलेंज मांग रही हूँ कि आपको कोपेन सर के थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन की, थॉर्नवेट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की आपको आलोचना करनी है। आलोचना करके बताएंगे जरा, आलोचना करिए तो जरा जल्दी जल्दी, उसमें अपन माहिर होते हैं। आलोचना में देरी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी आलोचना है कि ये बहुत ज्यादा गंदा है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, हमें समझने में नहीं आता है, हमारे दिमाग को ये खराब करता है। और हमारा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि आपने इतना दिमाग लगाया है क्यों? आपने 120, आपने 32 में ये हालत कर दी। अगर आप 120 लेकर आ जाते तो हम आपको पढ़ते ही नहीं कभी, चाहे एनटीए पूरा सिलेबस उसमें से दे देता, पर फिर भी हम इसको नहीं पढ़ते। ये आप लोगों के माइंड का अभी स्टेटस है करेंट, मुझे पता है, मेरा भी यही है। ऑब्वियसली मतलब जहां सोचती हूँ 120, वहां लगता है कि ये तो डिस्कस्ट है, मतलब इतना ज्यादा क्या। ये देखो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, क्या जरूरत थी इतना राई का पहाड़ बनाने की? सबसे भवित्व यही है, बड़ी वत्व यही है। पूरा क्लासिफिकेशन खिचड़ी बना के रख दे, ये तो मैं बोल रही हूँ, पूरा क्लासिफिकेशन खिचड़ी बना के रख दे। और मैंने आप लोगों को सर्व भी कर दिया, अब आपकी मर्जी, आप खाइए तो सही, तभी अच्छा लगेगा। तो भाई इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो यही है कि क्लियर नहीं था। दूसरा, इन्होंने अमेरिका पे बनाया था, तो जरूरी नहीं है कि ये विश्व के बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पे ये फिट नहीं बैठा था। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ईआर क्लाइमेट दी, ई को एक तरफ ये बोल रहे हैं कि ये शुष्क जगह है, आर को ये बोल रहे हैं जहां पे पूरे साल बारिश हो रही है। तो भाई शुष्क जगह पे अगर पूरे साल बारिश होनी ही थी तो यहाँ पे क्यों ही हमने को ये इतना नाटक करते हैं, ई आर की कोई वैल्यू नहीं थी। तो कोपेन सर का क्लासिफिकेशन बड़ा जरूर है, पर थोड़ा इजी है, इनका छोटा हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, पर समझने में थोड़ा कम आता है। इस वजह से यहाँ पे अपन इनके क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छा नंबर अपन यहाँ पे नहीं देते हैं। अपना जो राइट क्लासिफिकेशन है वो थॉर्नवेट सर का, कोपेन सर का क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे मानते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था आपके दोनों क्लासिफिकेशन के बीच का एक अच्छा खासा डिफरेंस। ओके, अब मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड फ्रंट, मतलब कि चक्रवात, प्रति चक्रवात और वातावरण। कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे। ओके गाइस, चलो एक बार मैं रिवाइज आप लोगों को करवा दूं, मन को शांति मिल जाएगी। देखिए, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थॉर्नवेट सर ने, थॉर्नवेट वाज अमेरिकन ज्योग्राफर एंड ही प्रेजेंटेड हिज क्लासिफिकेशन एट फर्स्ट टाइम इन 1931। अगेन ही मॉडिफाइड इट एंड प्रेजेंटेड इन 1933, एंड हिज लास्ट रिसर्च पेपर वाज प्रेजेंटेड इन 1948। हिज अप्रोच वाज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल अप्रोच, इसको अपन बोलते हैं आनुभाविक उपागम। ठीक है, इन्होंने ये माना था कि वेजिटेशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होता है। इसके लिए उन्होंने ये बोला कि इन्होंने अपने दो रेशियो बताए थे, फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस विच मीन्स पीई रेशियो। अकॉर्डिंग टू पीई रेशियो, थॉर्नवेट सर डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू 5 ह्यूमिडिटी जोन। फर्स्ट इज वेट, सेकेंड इज ह्यूमिड, थर्ड इज सब ह्यूमिड एंड फोर इज सेमी एरिड एंड फिफ्थ इज एरिड। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमिडिटी जोन, द वेजिटेशन टाइप ऑफ ए वुड बी रेन फॉरेस्ट, ऑफ बी वुड बी फॉरेस्ट, ऑफ सी वुड बी ग्रास लैंड, ऑफ सी वुड ऑफ डी वुड बी स्टेपी एंड ऑफ डी वुड बी एरिड। एरिड इट मीन्स डेजर्ट। एंड पीई रेशियो ऑफ दिस 127 ऑफ वेट, 64 to 127 इज ह्यूमिड, 32 to 63 इज सब ह्यूमिड, 15 to 32 इज सेमी एरिड, एंड लेस देन 16 इज फॉर एरिड रीजन। एंड अगेन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ही पार्ट दिस क्लासिफिकेशन इन टू 20 parts। आर इज इक्वल टू इनफ रेनफॉल इन एवरी सीजन, एस इज इक्वल टू लो रेनफॉल इन समर, डब्ल्यू इज इक्वल टू लो रेनफॉल इन विंटर, एंड डी इज इक्वल टू लो रेनफॉल इन एवरी सीजन। आफ्टर इट, इन 1933 ही प्रेजेंट अनादर हिज रिसर्च पेपर, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन थर्मल एफिशियंसी विच मीन्स तापीय दक्षता। थर्मल जोन
जो थे वो आपके बेसिकली छह पार्ट्स में थे, ए बी सी डी और ई। इट मींस ट्रॉपिकल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, टैगा, टुंड्रा एंड फॉरेस्ट। अगेन फिर उन्होंने इसी पार्ट में इसको 20 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब अपन इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, अब अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। बाय बाय।